नमस्ते दोस्तों, अगर आपके पास गार्डनिंग के लिए समय कम मिलता है और आप अपने गार्डन के लिए कुछ ऐसे परमानेंट फूल ढूंढ रहे हैं जो कि सर्दियों में बहुत अच्छी खासी फ्लावरिंग करते हैं, जो कुछ खास पौधे होते हैं जो कि हर गार्डनर अपने गार्डन में लगाना चाहता है, ऐसे कुछ फूलों को ढूंढ रहे हैं तो आज की वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं अपने गार्डन में लगे बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत साथ ही साथ परमानेंट फूलों की जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि एक बार आप अपने गार्डन में लगा के सालों साल उसमें बहुत अच्छी खासी फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये फूल बहुत ही लो केयर भी होते हैं। दूसरी खासियत होती है कि सर्दियों में हमारे गार्डन की शान होते हैं, अगर इन पौधों को आपने नहीं लगाया तो क्या लगाया। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके मैं सभी खूबसूरत से फूलों को आपको दिखाती हूँ। फिलहाल मैं सुषमा स्मार्ट दर्शन पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मेरे गार्डन में कौन से ऐसे परमानेंट फूल हैं जो कि बहुत लो केयर है और बहुत अच्छी खासी फ्लावरिंग कर रहे हैं, मैं सारे फूलों आप लोगों के साथ एक एक करके सभी वैरायटी दिखाती हूँ। तो दोस्तों, मैं सर्दियों में एकदम लो केयर और बहुत हैवी फ्लावरिंग करने के लिए कोई पौधा आप ढूंढ रहे हैं तो आपको अपने गार्डन में इस बहुत ही खूबसूरत से जूही या स्टार जैस्मिन या कुंदा के फूल को ज़रूर लगाना चाहिए। कई नामों से इस फूल को जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत इसके फूल होते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे। दूसरे, इसकी खासियत होती है कि बहुत ही लो केयर पौधा है और ऊपर से अगर आप देखें तो इस पौधे में एकदम जड़ों से फूल खिलना शुरू होते हैं और पौधे की शाखा जो है टिप तक फूलों से भरी रहती है। ये वाला मेरा जो पौधा है लगभग एक हफ्ते से इसी तरह फ्लावरिंग कर रहा है, बहुत सारे इसमें फूल खिलते हैं। आज जितने फूल खिले हुए दिख रहे हैं, कल की डेट में ये सारे फूल झड़ जाएंगे और नए फूल खिलेंगे। इसमें से काफ़ी फूल जो है सुबह पूजा पाठ के लिए तोड़ लिए गए हैं, उसके बावजूद भी अभी देखिए इसमें इतने सारे फूल बचे हैं। तो इस परमानेंट फूल को तो आप अपने गार्डन में 100% जगह दिए। बहुत खूबसूरत फूल है, मैंने भी इसे बहुत जल्दी ही अपने गार्डन में जगह दी है। इसके बारे में मुझे जानकारी पहले नहीं थी, लेकिन अब लगाने के बाद मैं जान रही हूँ कि ये फूल बहुत अच्छा है और मेरी लिस्ट में सबसे पहला फूल है जो कि सर्दियों में हैवी फ्लावरिंग के लिए आपको अपने गार्डन में पक्का शामिल करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये जूही या कुंदा का फूल आप अपने गार्डन में पक्का शामिल करिए। इसके अलावा जो दूसरा मेरे गार्डन में परमानेंट फूल है जो कि इस समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है सर्दियों में, ये है आपका देखिए टिकोमा का। टिकोमा के कई कलर्स वैरायटी आते हैं मेरे पास। ये देखिए हल्की रेड और महरूम की जो मिक्स कॉम्बिनेशन वाला टिकोमा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। मेरे पास इसकी येलो वैरायटी भी है, उसमें भी बहुत अच्छी खासी फ्लावरिंग आती है। मैंने कुछ समय पहले उसकी वीडियो आप लोग के साथ शेयर की थी। अभी मैंने इस रेड टिकोमा की देखभाल और इसकी वीडियो आप लोग के साथ शेयर नहीं की है। हर गार्डनर के पास एक खूबसूरत सा पौधा मिलता है। इसकी भी खासियत होती है कि एकदम लो केयर है, बहुत हैवी फ्लावरिंग करता है। अभी तो इसमें देखिए फूलों की शुरुआत है और बहुत सारी कलियां बनी हैं। कुछ ही दिनों के बाद आपको अगर मैं इसकी शॉर्ट वीडियो डालूंगी तो आप देखेंगे पूरा पौधा ऐसे खूबसूरत से लाल लाल फूलों के गुच्छों से भर जाएगा। तो ये भी एक परमानेंट फूल है जो कि सर्दियों में बहुत अच्छी खासी फ्लावरिंग करता है, एकदम लो केयर है। बहुत आसानी से आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, किसी भी नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाता है। आपका इसको जो कलर पसंद है उस कलर को आप ले सकते हैं और अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। तो यह टिकोमा का पौधा, इसको आप अपने गार्डन में पक्का शामिल करिए। दोस्तों, अगला जो मैं पौधा बताने जा रही हूँ, ये जो फूल है किसी अजूबे से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस फूल को कहा जाता है कि एकदम अजूबा है ये फूल, क्योंकि ये एक फूल जो खूबसूरत होता है दिन भर में तीन कलर बदलता है। इस फूल की खासियत है कि ये पौधा आपको सुबह अलग कलर में दिखेगा, दोपहर को यही फूल अलग कलर का दिखेगा और रात शाम हो जाती है तो उसका कलर अलग चेंज हो जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत सा फूल आपको दिख रहा है, ये भी परमानेंट फूल होता है। एक बार आपके गार्डन में शामिल हो गया तो सालों साल आपके गार्डन में रहेगा। एकदम लो केयर है, बहुत सस्ता, केवल 30-40 रुपये में ये पौधा मिल जाता है। ये देखिए, ये दोपहर के टाइम उसी सेम फूल को मैं दोपहर के समय दिखा रही हूँ, जो इसका कलर देखिए आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है। अगर मैं और थोड़ी सी शाम की वीडियो बनाऊँ तो ये डार्क कलर का हो जाएगा, डार्क पिंक कलर का। इस फूल को स्थल कमल के नाम से जाना जाता है। ये भी एक प्रकार से गुड़हल या हाइबिस्कस फैमिली का फूल है, लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है। इसको आप अपने गार्डन में पक्का शामिल करिए, खास करके अगर नीचे आपके पास ज़मीन है, ग्राउंड फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर पे इसको लगाइए। इसका बड़ा पौधा होता है, बहुत हैवी फ्लावरिंग करता है। तो ये तीसरे नंबर का फूल जिसको आपको अपने गार्डन में पक्का लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ फूल ढूंढ रहे हैं और परमानेंट फूल ढूंढ रहे हैं तो आपको अपराजिता को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। अपराजिता आप अपने गार्डन में 100% लगाइए। अपराजिता का पौधा भी एक बार आपके गार्डन में आ गया तो सालों साल रहेगा। मेरी ये जो अपराजिता का पौधा देख रहे हैं 4-5 साल पुराना है। हर साल मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ, फिर इसमें नई नई ब्रांचेस पनक के फिर वापस ये पौधा उतना ही हरा भरा और स्वस्थ हो जाता है। बारिश से लेकर गर्मियों में और सर्दियों में भी ये पौधा बहुत अच्छी खासी फ्लावरिंग करता है। अगर सर्दियों में थोड़ी सी देखभाल करें आप, इसको गर्म फर्टिलाइजर जैसे सरसों की खली
या कंपोस्ट टी इसको दें तो ये पौधा बहुत अच्छी खासी फ्लावरिंग करता है। अपराजिता भी कई सारे कलर्स वैरायटी में मिलता है, आप जानते ही होंगे बहुत जाना माना पौधा है, खास करके वास्तु दोष को दूर करने के लिए और पूजा पाठ के लिए बहुत अधिक महत्व ये पौधा रखता है। इसी कारण हर गार्डनर के पास आपको ये खूबसूरत सा पौधा मिलेगा। अभी तक आपके पास नहीं है तो इस अपराजिता के पौधे को आप अपने गार्डन में पक्का लगाएं। मेरे पास अपराजिता दो कलर के हैं, वाइट कलर और ये ब्लू कलर। इसके और कलर भी मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे ही मिलेंगे इसके दूसरे कलर को भी मैं अपने गार्डन में पक्का शामिल करूँगी। तो ये तीसरा फूल जो आपको अपने गार्डन में पक्का लगाना चाहिए। चलिए दोस्तों, जो अगला पौधा बता रही हूँ ये तो सर्दियों का आप कह सकते हैं कि राजा है, इसके बिना आपका गार्डन अधूरा है। आप देख ही रहे होंगे कितने खूबसूरत से ये फूल हैं और कितने सारे कलर्स वैरायटी में ये पौधे मिलते हैं, फूल मिलते हैं। ये जो खूबसूरत सा फूल है ये गुलदावदी, वैसे तो गुलदावदी सर्दियों के मौसम में ही खिलता है लेकिन इसको आप परमानेंट फूल कह सकते हैं। गुलदावदी की खासियत होती है बहुत हैवी फ्लावरिंग करता है, बहुत लो केयर है, कई सारे कलर्स वैरायटी में मिलता है और हर गार्डनर के पास 100% ये खूबसूरत सा फूल मिलता है। एक बार ये फूल आपके गार्डन में आ गया तो जितनी चाहे उतनी कटिंग बनाइए, जितने चाहे उतने पौधे तैयार करिए और इस पौधे को अपने गार्डन में शामिल करिए। इधर मेरे कुछ सीजनल पौधे हैं, आपको दिखा दूँ। जैसे ये पिटूनिया देखिए कितनी अच्छी खासी फ्लावरिंग कर रहा है, और भी कई सारी पिटूनिया मेरे पास हैं। किसी वीडियो में मैं सेपरेट रूप से इस पिटूनिया के ऊपर वीडियो बनाऊँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल ये खूबसूरत सा गुलदावदी जो कि आपको अपने गार्डन में पक्का शामिल करना चाहिए सर्दियों में हैवी फ्लावरिंग लेने के लिए। परमानेंट फूलों की और सर्दियों के फूलों की बात हो और मैं गुलाब को भूल जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता है। हर गार्डनर की सबसे पहली पसंद होती है खूबसूरत से गुलाब। कौन ऐसा है जिसको गुलाब ना पसंद हो, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, गार्डनर सभी का फेवरेट होता है गुलाब। तो इस समय आप अपने गार्डन में गुलाब भी बहुत आसानी से शामिल कर सकते हैं। सर्दियों का राजा कहा जाता है इसे, फूलों का राजा कहा जाता है, सर्दियों में बहुत हैवी फ्लावरिंग करता है। गुलाब की कई सारी वैरायटी होती हैं लेकिन मुझे ये जो वाइट वाली वैरायटी आप देख रहे हैं, एक तरह से ये वाला जो होता है क्लाइंबिंग रोज होता है, इसको आप चाहें तो बेल का रूप दे दें और बहुत हैवी फ्लावरिंग करता है, मेरा फेवरेट ये वाइट कलर है। तो आप परमानेंट फूल के शौकीन हैं तो गुलाब का पौधा लगाइए। इसकी खासियत है बहुत हैवी फ्लावरिंग तो करता है लेकिन थोड़ा सा केयर आपसे ज़्यादा मांगता है, तो इसको लगाते समय थोड़ी सी सावधानियाँ, थोड़ी सी केयर इसके करिए, बहुत हैवी फ्लावरिंग करेगा और आपके गार्डन में चार चांद लगाने का काम करता है ये खूबसूरत से गुलाब के फूल। अगले फूल की जो मैं बात कर रही हूँ, ये फूल ऐसा है जो कि हर गार्डनर की हम कह सकते हैं पहली पसंद होता है, पूजा हो गया, पाठ हो गया, सबसे पहले जिस फूल की हमें याद आती है वो खूबसूरत सा फूल होता है ये गुड़हल का फूल। ये देसी गुड़हल है। गुड़हल की खासियत होती है कि सर्दी के मौसम में देसी गुड़हल के फूल खिलते तो है लेकिन उनका आकार थोड़ा सा छोटा हो जाता है। देसी गुड़हल के पौधों में थोड़े से कम खिलते हैं लेकिन हाइब्रिड गुड़हल अगर आप अपने गार्डन में लगा देते हैं तो सर्दियों में हाइब्रिड गुड़हल बहुत अधिक खिलते हैं और बहुत अच्छे चलते हैं। गुड़हल की भी खासियत है कि एकदम लो केयर है, इसमें बस थोड़ी सी मिली बग की समस्या होती है, अगर आप उस समस्या को आप नेगलेक्ट कर दें तो बहुत अच्छा ये खूबसूरत सा फूल चलता है। तो ये दोस्तों कुछ थे मेरे गार्डन में लगे हुए बहुत ही खूबसूरत से एकदम लो केयर और परमानेंट फूल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। सभी फूलों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, मेरा पूरा गार्डन एकदम इन खूबसूरत से फूलों से भरा है। और उसी के साथ साथ ये मेरे गेंदे के फूल आप देख ही रहे होंगे कितने सारे फूल हैं, और एक ही मेरे फ्रंट पे लगा हुआ है और जैसे लग रहा है कि इतने अधिक फूल खिले हैं कि इसको देख के मन खुश हो जा रहा है। तो इन खूबसूरत खूबसूरत फूलों को अपने गार्डन में शामिल करिए, बहुत आनंद आएगा आपको, आपके घर में इतनी रौनक होगी कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि कितने खूबसूरती आपके घर के ये फूल बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने गार्डनर दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो से कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में पक्का दीजिएगा, मैं आप लोगों के सुझाव का इंतज़ार करूँगी और जहाँ तक हो सकेगा आपके सभी कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगी। दोस्तों मैंने कई सारे फूल दिखाए, अब मैं अपने गार्डन का सबसे बेहतरीन परमानेंट फूल दिखाती हूँ जो कि मेरा फेवरेट है। तो ये है ये सफ़ेद गुलाब। ये सफ़ेद गुलाब दोस्तों बहुत खूबसूरत है और यकीन मानिए पूरे साल खिलता है और बहुत अच्छी खासी इस गुलाब में फ्लावरिंग होती है। आप अभी देख ही रहे होंगे सर्दियों की शुरुआत है, मैंने इसको 12 इंच के गमले में लगा रखा है, कितनी अच्छी खासी इसमें फ्लावरिंग हो रखी है। कलियाँ आप देखेंगे तो इसमें इतनी सारी कलियाँ हैं, गुच्छों में है। तो गुलाब आप लगाइए लेकिन ये वाली वैरायटी का गुलाब आपको 100% अपने पास लगाना चाहिए, बहुत खूबसूरत ये गुलाब होता है। इसका सफ़ेद कलर मन को बहुत सुकून देता है। तो ये मेरा फेवरेट था इन सभी परमानेंट फूलों में। दूसरा जूही का पौधा, वो आप परमानेंट अपने गार्डन में शामिल करिए, बहुत खूबसूरत इसके फूल हैं, हल्की सी गंध आपके मन को बहुत मोह लेगी अगर आप अपने गार्डन में शामिल करते हैं। तो
साथ ही साथ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने गार्डन दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो से जुड़ा कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में पक्का दीजिएगा।